महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल डॉक्टर ओम चो में बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। यदि आपने हमारे इस चैनल को, आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कमेंट्स में जय श्री महाकाल नहीं लिखा है, तो प्लीज़ दोस्तों जय श्री महाकाल लिखें कमेंट्स में, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वृश्चिक राशि के जातक, काश आपको यह बात मालूम होती। वृश्चिक राशि के जातक इतने दूरदर्शी होते हैं, इतने नियोजकता होते हैं, इतनी अच्छी से प्लानिंग करते हैं कि इनके बराबर कोई प्लानिंग नहीं करता। तो वृश्चिक राशि के जातक बहुत अच्छे प्लानर होते हैं किसी भी चीज़ के लिए। दूसरा इनका फैक्ट है, वृश्चिक राशि के जातकों को ईश्वर पर तो पूर्ण यकीन है, खुद पर भी यकीन है, लेकिन इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है किसी भी काम को लेकर, इन्हें पूरा अपनी योग्यताओं पर विश्वास होता है और उसका ही परिणाम है कि इन्हें हमेशा अच्छे परिणाम मिलते रहते हैं। वृश्चिक राशि के जातक किसी की मदद के लिए कभी पीछे नहीं हटते, मदद करते हैं, हमेशा आर्थिक रूप से संपन्न वृश्चिक राशि के आमतौर पर दिखाई देते हैं। कुछ अपने व्यक्तिगत ग्रहों के कारण से, या शनि की स्थिति, या शुक्र की स्थिति, या पूर्वजों के द्वारा किए गए जो भी हो, उससे ये आर्थिक थोड़ा तंगी दिखाई देती है आमतौर पर, लेकिन ओवरऑल ये दिल से बहुत अमीर होते हैं, बहुत दिल फेंक आदमी होते हैं और किसी भी चीज़ के लिए कभी पीछे नहीं हटते हैं। सेना में इन लोगों का लिए बहुत अच्छा होता है। सैनिक अगर आप देखेंगे तो एक धनु, वृश्चिक और मेष राशि के जातक आमतौर पर सेना में आसानी से इनका सिलेक्ट हो, आसानी से नहीं, आसानी से तो शब्द इसलिए कि अन्य राशियों के लिए आसानी होगा, लेकिन आपके लिए वो आसान है, अन्य के लिए कठिन होगा, आपके लिए आसान है वो। वृश्चिक राशि के जातक महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं और महिलाओं की इज्जत करने के साथ ही साथ वो पूर्ण रूप से किसी भी काम में पूरी ईमानदारी के साथ उस कार्य को करते हैं। कोई भी काम हो, कोई भी लक्ष्य हो, उसके लिए तत्पर है। तो दोस्तों, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, वो बहुत ही मिलनसार, लोगों की मदद करने में विश्वास रखते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप किसी भी बात की चिंताएं मत करा करें। आप जो अननोन फियर है, अज्ञात भय अपने मन में पाल के रखे हैं, उसे कभी भी लोड दिमाग पर मत लीजिएगा। हालात आज ख़राब है, लेकिन जल्द बहुत अच्छे होंगे, सुधरेंगे और आप एक बहुत बड़ी शख्सियत के रूप में इस सबके सामने आएंगे, क्योंकि ख़राब हालातों से जूझ कर ही व्यक्ति एक बड़े मुकाम तक पहुंचता है। तो आपसे निवेदन है कि आप कितने भी ख़राब हालात हैं, उनसे जूझ कर एक मुकाम तक पहुंचेंगे। इस जो हालात चल रहे, इन्हें इंजॉय करें, इन्हें जिए, पूरी मस्ती और आनंद के साथ जिए और आप बहुत जल्द बाहर निकल के आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो और हमेशा की तरह इस बार भी आप कमेंट्स में जय श्री महाकाल, जय श्री राम लिखें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।